Assalamu alaikum, dear students, class 10th, subject English, and the topic is, we are continuing to talk about short story. You will open your book at page number 149. Now, the story is about Gerasim, who is the jobless person. Now, he is going to his friend Igor, who is going to give him a job from his master. Now, he said that I will ask my master if he needs any person. We have a person, he is an old person, now he is not keeping the things in a clear manner. And now, oh, if you can, then please say a word for me, Igor Dhinlich. Igor Dhinlich ko usne kaha, agar aap wo malik manega to mera kehna usse. I will pray for you all my life. Main aapko hamesha zindagi par duaye dunga. I can't stand being without my work any longer. Ab main kaam ke bagair nahin reh sakta hoon. All right, I will speak for you. Come again tomorrow. And in the meantime, take this 10 ओपिक पीस, इट मे कम इन हैंडी. चलो ठीक है, आप कल आना. तो ये Igor Dhinlich उसको कुछ 10 रुपये, मतलब कोपिक मिन, दिस द करेंसी दिया, रशियन करेंसी, या अपने पास जेब में रखिए, काम आएगा, क्योंकि आपके पास अभी काम नहीं है, आप बेकार हैं, तो अपने पास रखिएगा. थैंक्स Igor Dhinlich. देन वी विल ट्राई फॉर मी, देन यू विल ट्राई फॉर मी, प्लीज डू फेवर फॉर मी, लेकिन मेरे लिए कुछ करना है. उसको मिन्नत समाज कर रहा है. ऑल राइट, I will try for you. हाँ, मैं कर लूँगा कुछ न कुछ. Gerasim left and Igor Hornets is, तो वो Gerasim वहाँ से चला गया. तो Gerasim ने, इसने क्या किया, Igor Hornets द, इसने अपने घोड़ों को तैयार किया. Then he put on his coachman's habit and drew up front door. तो फिर वहाँ से निकल पड़ा. Mr. Shah stepped out of the house, stay seated himself in the silly and, तो वो वहाँ जो हार्स की गाड़ी थी वो उस पर बैठ गया. एंड हॉर्स ग्लोब्स ऑफ, ग्लोब ऑफ मीन, जब वो अपने चार पंजे हैं से दौड़ता है. तो ही अटेंडेड हिज बिजनेस इन द टाउन एंड रिटर्न होम. तो वहाँ जब वो कस्बे में गई, वहाँ काम किया, फिर वहाँ से वापस आ गया. Igor ऑब्जर्विंग दैट हिज मास्टर वाज इन अ गुड ह्यूमर एंड सैड टू हिम. तो Igor ने मौका समझ लिया. उसने कहा, इस वक्त मेरा मालिक जो है खुश है, क्यों ना उसको मैं Gerasim के मुतालिक बताऊँ. Igor Frederich, आई हैव अ फेवर टू आस्क यू. उसे कहता है Igor Frederich, ये भी उसका, ये उसका नाम था. तो कहता है कि मैं कुछ आपसे कुछ पूछना है. व्हाट इज़ इट, क्या है, आप बताओ. देयर इज़ अ यंग मैन फ्रॉम माय विलेज हियर, अ गुड बॉय, ही इज़ विद अ गुड जॉब. यहाँ एक आदमी है मेरे गाँव से, वो काम के बगैर है. वेल, वो डोंट यू टेक हिम, क्या आप उसको काम पे ले सकते हैं. व्हाट डू आई वॉन्ट हिम फॉर. तो मालिक ने कहा, मुझे इसको क्या करना है. हाउ अबाउट पुल्क कॉर्पिच. पुल्क कॉर्पिच बात, इनका जो ये नौकर था, पुलिकार्पिच, उसने कहा ठीक है, लेकिन हमारे पास जो नौकर है पुलिकार्पिच, उसको क्या करेंगे. व्हाट इज गुड ही अबाउट यू डिसमिस हिम. वो उसने उसे कहा कि वो कैसा है, वो तो ठीक नहीं है, उसको हम डिसमिस कर सकते हैं, काम से निकाल सकते हैं. दैट वुड नॉट बी फेयर, ही हैड बीन विद सो मेनी ईयर्स. तो मालिक ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर, मैं उसको काम से नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि उसने वो बहुत सालों से मेरी खिदमत कर रहा है. आई कॉन्ट लेट हिम गो जस्ट विदाउट एनी काज. न इसकी कोई गलती है, न कोई वजह है कि मैं उसको निकालूँ काम से. सपोजिंग ही हैज़ वर्कड फॉर 10 ईयर्स, ही डिडंट वर्क फॉर नथिंग, ही गॉट पेड. तो Igor उसको अब मोटिवेट कर रहा है, कहा कहता है कि सपोज उसने 10 साल काम किया, लेकिन उसने पैसा लिया है उस काम के लिए. And he certainly saved up a few dollars for his old age. उसने कुछ बचाया भी होगा अपने अपने बुढ़ापे के लिए. Saved up. How could he? From what? He's not alone in the world. वो तो मालिक उसे कहता है, saved up. क्या बचाया होगा? How could he? कैसे बचाया होगा? From what? कैसे? किस चीज़ से बचाया होगा? He is not alone in the world. वो अकेला नहीं है, उसका अयाल भी है. He has a wife to support and he and she has to eat and drink also. तो उसको अपने जो बीवी है उसको खाना पिलाना पड़ता है. तो इसको पास कैसे बचत सेविंग होगी. His wife earns so many two days work at the चार वुमेन. वो इससे ये भी कहता है कि उसकी जो वुमन है वो चार वुमन है. CHARM, चार वुमन means washing woman. A woman who is washing utensils. जब वो कहीं वो बर्तन वगैरह साफ करते हैं उसको चार वोमन कहते हैं. तो वो उसे कहता है
कि वो पैसा कमाती है अ लॉट शी कुड हैव मेड एन अ फॉर देम इनके लिए बहुत ही शब्द बहुत अच्छा है. व्हाई शुड यू केयर अबाउट पॉल एंड हिज वाइफ. वो से फिर कहता है मालिक कि आप उनका ख्याल क्यों नहीं रखते हैं कि इनका है. टेल यू द ट्रुथ ही इज वेरी पुअर सर्वेंट. उसे कहता है कि मैं आपको बताता हूँ वो बहुत ही गरीब है. व्हाई शुड यू थ्रो यूर मनी अवे ऑन हिम. वो बहुत ही आप इन पे क्यों पैसा खर्च करते हैं. ही नेवर शोवल्स द स्नो. वो कभी वहाँ या जब वहाँ कभी बर्फ़ पड़ता है वो कभी उठा नहीं पाता है. डजंट डू एनीथिंग राइट एंड व्हेन ही कम्स टू टर्न टू बी नाइट वॉचमैन. अगर उसको रात को ड्यूटी लगती है ही स्लिप्स अवे एटलीस्ट 10 टाइम्स इन द नाइट. तो वो रात में 10 बार गायब हो जाता है. इट इज़ टू कोल्ड फॉर. और वो सर्दी भी है. यू विल सी सम डे बिकॉज ऑफ हिम यू विल हैव ट्रबल. आप देखेंगे वो इतना बूढ़ा है अगर वो मर गया तो कभी कभी आपको पुलिस से बहुत ही मुश्किल पड़ेगी. द कंप्लेंट स्मगलर विल डिसेंड ऑन अस एंड वी वोंट बी एग्रीएबल फॉर यू टू रिस्पॉन्सिबल फॉर द. तो फिर अगर पुलिस को पता चला कि इतना बूढ़ा आदमी आपने काम पे लगाया तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगी. तो डियर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो. थैंक्स.